नहीं आया, आने से उसको खूब खुश। अरे यार मैं तो पहले ही समझ गई थी तेरा उतरा हुआ चेहरा देख के। छोड़ यार। अच्छा एक बात बता मतलब ये राकेश भी तुझसे उतना ही प्यार करता जितना तू उससे करती? शायद। शायद शायद क्या यार? अरे पक्का बता ना यार। यार शोभा देख, तूने कभी किसी से प्यार किया है? हमें तो इंतजार हो, कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा, हमें प्यार भरी नजरों से देखेगा और दूर सात समुंदर पार मुझे अपने साथ अपनी राजकुमारी बना के ले जाएगा। बस बस राजकुमारी जी, नीचे आइए धरती पे और चलिए अपना अलग अलग शुरू होने वाला है। लगता है पढ़ाई वढ़ाई की करना है। ओ ये झूठी कम्बा कहाँ से बस गई? ओ हेलो ब्रावो, चलो चलो क्लासरूम में चले चले। पिकनिक में चलने के लिए? हाँ। अरे यार वाह यार क्या बात बोली यार विक्की, है विक्की भी पिकनिक जाता है क्या? है आज उसका मूड है पिकनिक में चलने का, चला ऐसा। बहुत गजब यार पिकनिक। अरे यार ऐसी उदासी में पिकनिक का क्या मजा आएगा यार? हाँ यार है? है? यार उदास कौन कहता है कि मैं उदास रहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भैया। आई एम वेरी ग्लैड। अरे गजब यार वेरी गुड वेरी गुड। अरे हंसी निकल गया, कितना भी उसको बुरा लगता है वही बात। क्या बात है जी, आज चेहरे पे 12 के बजे हैं। सड़ा कुछ नहीं यार, हम लोग सब पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्यों भाई चलना है ना कल पिकनिक? क्यों विक्की आप तो खुश। अरे हम सब चलेंगे भाई। लेकिन यार खाने पीने का प्रबंध कौन करेगा? खाने पीने का? अरे खाने पीने का हम सब मिलकर करेंगे। क्या क्या क्या? हाँ क्यों भाई क्या ला रहा है? क्यों विक्की क्या लेके आ रहा है घर से बिरयानी? अरे भाई ऐसा है देखो मैं तो भाई फल लेके आऊंगा है, मैं लेके आऊंगा। और हाँ और एक मिनट प्रशांत तुम मिठाई लेके आओगे स्वीट? यस मैं पानी ले जाऊंगा। अरे बहुत सही बोला है पानी। बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, पिकनिक के लिए अपन को टेप रिकॉर्ड वगैरह सब ले चलना है, ठीक है? देखो ले जाए ये प्रभात मेरे साथ रहेगा। वाह फिर मजा जाएगा डांस में। अरे वाह ऐसा। और ये तीन देवियां क्या करेंगी? ममता सुनो क्या करेंगे? हाँ यार अपन क्या लाएंगे? यार ये लोग लाएंगे अपन हम खाएंगे। अरे वाला भी तो चाहिए ना कोई। अरे यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरी जी का पीरियड अटेंड करके आ गए तुम? करा है संजय तिवारी जी का तो पीरियड लगा ही नहीं। अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और अच्छी बात हुई क्या कि हम लोगों का पिकनिक का प्रोग्राम बन गया। पिकनिक का ये प्रोग्राम बनाया किसने? विक्की है ना? हाँ हाँ विक्की कह रहा था तो हम लोगों ने कहा चलो चलेंगे। तुम लोग चलोगे ना यार? हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे यार बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग चल रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है एक टांग से खड़े अपन तो एक टांग ठीक है हम दोनों टांग। ओके डन। उसमें इतनी दम नहीं होगी कि हमें टेप में अरे
इंजॉय करें आप लोग, तो यहाँ अकेले बैठे हो। नहीं यार तुम जाओ, तुम लोग चलो इंजॉय करो, पिकनिक मनाओ, हम लोग बैठे हैं यार। चलो चलो तुम लोग इंजॉय करो, आ रहे हैं हम लोग, आते हैं। करके देख लो, हमारे साथ नाचोगे? क्यों नहीं नाची, चलो से मुकाबला हो जाए। हो जाए तू एक रेशम की डोर डोर, तेरे चाल पे आशिक मोर मोर, तेरे जुल्फ घनी चित चोर चोर, घन गोर घटा बद मस्त मस्त, तू चीज बनी क्या कर रहा? मैं निशान कुछ मारू और नहीं तो क्या? क्या कर रहा है? पिकनिक बना रहे हैं, अरे पिकनिक बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मारू क्या? नहीं बैट बॉल कहाँ गई? चलो बैट बॉल खेलते। भूल गया था। अरे यार वो गेंद लाना तो भूल गए। भूली? अब क्या करें? कपड़ा गेम खेलते ना, ये कपड़ा रखा इससे। अरे बहुत चलो 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 बैठ जाओ, गोल गोल बैठ जाओ, गोल गोल बैठ जाओ। बैट बॉल नहीं ये खेले, जल्दी जल्दी बैट बॉल में। हां हां ठीक है, चलो साइड से आ रहा हूं। क्या कर रहे हो? कोई नहीं दिख रहा।
क्या बात है विक्की, तुम आज खेल क्यों नहीं रहे हो? अमिता, तुम भी तो नहीं खेल रही हो? अरे विक्की, मुझे यूं ही खेल मिलने का शौक नहीं है, इसलिए मैं नहीं खेल रही हूँ। बोलो। थैंक यू ममता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो विक्की, तुम्हारा भोलापन और सादगी मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे वाह यार, क्या बात है। देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले। अरे ममता, क्या बात है, तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रही? ऐसे यार, मूड ठीक नहीं है मेरा। मूड ठीक नहीं है क्यों, क्या बात हो गई है? चलो कम ऑन यार। नहीं। अरे देखो सब फ्रेंड डांस कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो चुपचाप अकेले। हाँ घर में। देखिए, अरे ये क्या, तूने हाथ काट दिया है? ये क्या सोचा? दवा लेने जा रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? बस यार, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं यार। तो क्या नमूना लेके घूमते रहते हो? रसीमा, जुबान संभाल कर बोला करो। तो वाले मजनू को नमूना कह रही हो? अरे बेचारा राजू कह रहा है, उसके बगल में बजाय किसी हसीना के कोई लंगूर चिपका हुआ है। करते हो मुंह लगते हो, चलो सारा मूड खराब कर दिया। अपने साथी से बात करने का तमीज तो नहीं है। हाँ। ये तो बिल्कुल हरिया, इसे ले जाए यहां से, मेरी नजरों के सामने से मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। मालिक, ये आपका खून है, आपका बेटा है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि इसका पैदा होते ही मेरी पत्नी मर गई, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं अपाहिज हो गया। ये इस हवेली के लिए अपशगुन है, इसके रहते भगवान जाने और क्या क्या हो। लेकिन मालिक, विक्की बाबू अभी छोटे हैं, कहाँ जाएंगे? इसे किसी अनाथ आश्रम में या हॉस्पिटल में दाखिल करा दो, हवेली से इसका खर्चा पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, इसका हमारा कोई संबंध नहीं, इसके मरने या जीने से भी हमारा कोई वास्ता नहीं। ले जा हरिया इसे, ले जा मेरी नजरों के सामने से, ले जा। देखो विक्की, तुम्हारा बोलापन और सादगी मुझे बहुत अच्छी लगते हैं,
पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे यार तो वही वही वाली बात हो गई यार, बंदर भी के जाए अदरक का स्वाद। अरे क्या मतलब? अरे हम लोग अदरक की बात कर रहे थे भाई साहब, महंगा हो गया है ना। और कुछ करके देख लो, हमारे साथ नाचोगे? क्यों नहीं नाची, चलो जो कि मुकाबला हो जाए। नाचा की क्या कर रहा? मैं निशान कुछ मारो और नहीं क्या निशान कुछ मारो। नमूना नमूना लेके घूमते रहते हो। मजनू को नमूना कह रही हो? बेचारा राजू कह रहा है उसके बगल में बजाय किसी हसीना के कोई लंगूर चिपका हुआ है। बेचारा राजू कह रहा है। क्या भाई तू सोच रहा है यार? नहीं यार मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं नोट तैयार कर रहा हूँ, तू फालतू सोच में लग जाता है। चाय पिएगा? मैं तेरे लिए चाय लेके आता हूँ, तू नोट तैयार कर। नहीं मेरा मूड नहीं, मैं नोट नहीं तैयार करूँगा। अच्छा कैसे लगा रहे हैं तू गाना सुन? यार विकी मम्मी पापा तो घर पे आए नहीं यार, किसी पार्टी में गए हुए हैं, चाय तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। जिसको भी हमने चाहा वही बेरुखी करे, जिसको भी हमने चाहा हर कोई करे, जिसको भी हमने चाहा वही बेरुखी करे, क्या ये जरूरी है कि वफा हर कोई करे, जिसको भी हमने चाहा। पार्टी में गए हुए हैं। कब तक आएंगे? शाम तक आएंगे। और ये लड़का कौन है?
ये विकी हमारा दोस्त, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, नोट तैयार कर रहे हैं। आइए लगे। जी राधा, तुम्हारे साथ पढ़ता है? जी है। इसके बारे में बहुत विचित्र बात है, वो कभी बाद में बताएंगे तुमको। क्या मैं कुछ समझा नहीं होगा? जानते हो हमारा काम क्या है? अरे शंकर बोला, आपको कौन नहीं जानता, आप तो शहर के माने हुए ज्योतिष हैं, ज्योतिष विधि में महारत हासिल है। अभी अभी हमने इसके माथे की रेखा पढ़ी, जिसे इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये, इसके शरीर में कुंठित आत्मा है जो लोगों को परेशान करती है। इसकी उम्र कितनी होगी? 24 साल की होगी। हाँ, बस ये ज्यादा ज्यादा एक साल और दिएगा, उसके बाद ही मर जाएगा। अंकल आप क्या कह रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे इसकी जो जन्म कुंडली मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। पता करना, अगर हो सके तो उसको लेके आना जन्म कुंडली इसकी हमारे पास, तो हम कंप्यूटर पे लेके बताएंगे। इसके शरीर में जो आत्मा है ना, वो बहुत परेशान करने वाली है, ये अक्सर सोचता रहता है, और इसकी जिंदगी बहुत कम है, लिमिटेड। तो जब भी आओगे दुकान घर आना, तो इसके बारे में फिर हम बताएंगे। और वैसे ये लड़का ज्यादा दिन दिए गए चलता हूँ, और मम्मी पापा है तो बता देना उनको, मेरे नमस्कार करें। मिलते हैं। राजू के बारे में आज ही बात बताया, मैं उस दिन से बहुत परेशान हूँ। क्या बात बताने के लिए आप बुलाए गए? उसके बारे में हमने स्टडी की थी, उसके अंदर शरीर में कुंठित आत्मा है जो लोगों को प्रणाम करती है, वो इस बार दिखी के रूप में जन्म ले रही है, और उसकी लाइफ वो हमेशा उसके प्यार के लिए तड़पती है। वो हमेशा किसी चाहते कोई प्यार करे उसको, लेकिन उससे लोग नफरत करते हैं। और असल में क्या है कि दूसरी वजह ये, उसमें दर्द नाम का कोई एहसास ही नहीं है, दर्द कोई भी पीड़ा की कोई चीज़ का एहसास नहीं होता। अब वो हमेशा कोई चीज़ को पाने की कोशिश करता रहता है इधर से, और उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं, बस एक साल और जिएगा। 24 साल की उम्र बताई थी ना? हाँ, तो बस एक साल और ज़्यादा नहीं जिएगा वो। यदि अगर पहले मर गया अंकल तो? पहले मर ही नहीं सकता, अगर वो मर भी गया तो किसी और रूप में चला जाएगा, लेकिन वो इसके पहले 25 वर्ष पहले मर ही नहीं सकता, और उसका जिस दिन जन्मदिन है होगा उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वो पैदा हुआ है उसको 25 वर्ष पूरे होते उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, और अगर वो मरेगा भी ना तो उसकी शरीर जो है वो जब तक पूरी तरह खराब नहीं हो जाएगा तब तक वो शरीर नहीं छोड़ेगा, और अगर वो शरीर पूरा खराब हो गया चलने लग नहीं लगे तब वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। बहुत मानता है वो तुमको, इसलिए मान देता है, प्यार करता है, वो तुमसे प्यार करते हो, बाकी वो वैसे किसी को सुख नहीं दे सकता। ये बात तो सही है, कॉलेज में भी मिलते उसकी सभी मजाक उड़ाते हैं, कोई उससे प्रेम से बात ही नहीं करता। जब भी उसकी मृत्यु होगी तो उसके शरीर को तुरंत अग्नि देनी होगी और उसका दाह संस्कार करना होगा, वरना वो फिर दोबारा कभी किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अंकल वह जब तक जिंदा है तब तक मैं उसका साथ दूंगा। अवश्य दो, परंतु कुछ मत बताना उससे अपनी इस बात के बारे में। ठीक है, अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। देखो विकी, तुम्हारा बोलापन और सादगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बगल में बजाय किसी हसीना के कोई लंगूर चिपका हुआ है। क्या नमूने लेके घूमते रहते हो? तुम्हारा बोलापन और सादगी मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमको
गिरा दिया। दिल के घर में कैसे कोई रोशनी करे, क्या ये जरूरी है कि वफा हर कोई करे। जिसको भी हमने चाहा वही बेरुखी करे, क्या ये जरूरी है कि वफा हर कोई करे। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं, आखिर क्यों? मैं किस लिए जिया हूं? मेरा पुनर्जन्म भी अधूरा रहा, आखिर क्यों? मैं अब नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता हूं मैं। किसी कॉलेज का छात्र लगता है। अरे ये तो जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। कुत्ते के साथ पता नहीं क्या होता हो गया उसको, वो खत्म। अरे ये तो मर गया। अरे अरे भैया ये तो पुलिस केस लगता है, हमें से किसी को भी जाकर पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ हाँ चंदन, तुम जाकर पुलिस को खबर कर दो, जब से हम लोग इस अर्थी को शमशान तक पहुंचा के आते हैं। ठीक है भैया। किसी को हमारे बारे में नहीं दिया, मैंने किसी को दे दिया।